डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हैरान, आवाम हुक्मरान, मईशत दान सब परेशान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1.89 रुपया महंगा, 164.05 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 163.50 रुपए का हो गया। सोना 500 रुपए महंगा, 81,500 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 314 पॉइंट्स कम होकर 33,774 पर आ गए। महंगाई का नया तूफान, अशियाई जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा। चीनी 3 रुपए किलो, शैम्पू, साबुन, क्रीमें और दीगर अशिया 20 रुपए तक महंगी हो गई। उधर हुकूमत बिजली के झटके के बाद आवाम पर गैस का धमाका करने को तैयार। इक्तिसादी राबता कमेटी की खसूसी कमेटी घरेलू, कमर्शियल और सनअती सार्फीन के लिए गैस के नए स्लैब मुकर्रर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को फौरी इकदामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, आवाम को रिलीफ फराहम करना फील्ड इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। सूबाई सेक्रेटरीज खुद दौरे करके कीमतों की जाँच पड़ताल करें। लोगों का करेंसी पर एतबार नहीं रहा, डॉलर बाहर जा रहा है। आसिफ जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी IMF से बात हुई लेकिन पाकिस्तान की शराइत पर। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट को हटाकर अपनी ताकत शो करेगी। हुकूमत जरूर गिराना चाहते हैं, जमहूरियत तबाह करना नहीं चाहते। आज जो इकॉनमी तबाह हो चुकी है उसमें बड़ी वजह गैस प्राइसेस में इंक्रीज है। गैस की कीमत बढ़ेगी, मुल्क में अफराद ज़र में इजाफा होता है और आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। कौमी असेंबली का इजलास, शाहिद खाका ने महंगाई पर हुकूमत की खूब ली क्लास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोले, हुकूमत छोड़ी तो मुल्क में बिजली और गैस तलब से ज्यादा थी। गैस कीमतें बढ़ाने से सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, करेंसी मार्केट रुपए की कत्लगाह बन चुकी, शक है रुपए के बारे में IMF से मुआहिदा हुआ है। हिना रब्बानी खर बोली, बजट से पहले ही 390 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाया गया। डॉलर की उड़ान तश्वीशनाक, मुल्क में बोहरानी सूरत हाल है। सेनेटर शरीर रहमान कहती है, मौजूदा सूरत हाल पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हुक्मरानों को चोर डाकू कहने से फुर्सत हो तो मईशत चलाएं। असल हकायक तक पहुंचने की बजाय इंतकामी सियासत की जा रही है। वो बारूदी सुरंगें, वो लैंडमाइंस जो उस वक्त लगी हुई थी, वो आज हम लोग खोद के तो साइड पे कर रहे हैं। और उसकी जिंदा मिसाल जो बिजली के हवाले से आज ये सारे के सारे बात करें कि क्यों कीमतें चढ़ रही हैं, ये वही चार्जेस हैं जो उस वक्त लगे और आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं 200 अरब रुपया। वजीरे तवानाई उमर अय्यूब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, बोले पिछली हुकूमतों ने बारूदी सुरंगें बिछाई, उनकी एदाद की हेराफेरी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा उनके लगाए गए चार्जेस की वजह से है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के हालात बेहतर किए, मेहनत जारी रखेंगे। आपको याद होगा कि वजीर आजम वो ये कहते थे, ये मैं इसको एक्सपेंज करता हूँ, ये इस पे बैन नहीं हो सकता। अगर आपने हम पूछते हैं ये पैसा किधर गया, नो क्रॉस टॉक का पैसा किधर गया, नो क्रॉस टॉक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आखिरी साल में 10 अरब डॉलर किधर चले गए? वो फलूदे वाले के अकाउंट में गए क्या? वो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में गए? कौमी असेंबली के इजलास में वजीर आजम की शिरकत, अपोजिशन लीडर का इमरान खान के लिए गैर पार्लिमानी लफ्ज का इस्तेमाल, स्पीकर ने लफ्ज फौरी हजफ करा दिया। हुकूमती अरकान के शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे, ऐवान में शोर शराबा। हमाद अजहर ने जवाबी वार किया कि साबिक हुकूमत वाले बताएं 10 अरब डॉलर के जर मुबादला जखायर कहाँ गए। ऐवान में अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद।
सिंध हुकूमत ने दर्जी समेत आम दुकानदारों और कचरा चुनने वालों पर भी टैक्स लगा दिया। ऑनलाइन टैक्सी और मोटरसाइकिल की सवारी भी महंगी, 13% GST देना होगा। इंश्योरेंस एजेंट्स, फनी तालीम के इदारे, तामीराती मशीनरी और पानी का कुआं खुदवाने पर भी टैक्स देना होगा। जब हम कराची का जिक्र करते हैं तो हम उसको सिंध से जुदा नहीं समझते। आपकी मेहरबानी, आपने ये बात क्लेरिफाई कर दी, कराची सिंध का हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेगा। कराची से सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है, कराची से इतना टैक्स, सिंध से इतना टैक्स, जब ये कहते हैं तो लोग क्या समझेंगे? क्या आप अलग समझते हैं? आपके जहनों में फितूर है, उसको निकाल दे मेहरबानी। कोई एक्साइटेड होने की बात नहीं है किसी के भी। प्लीज प्लीज की व्हाट आई डिड नॉट से अ वर्ड व्हेन यू टॉकिंग। कराची बैरून सिंध नहीं है, कराची सिंध है। आप चले गए भाई, वी डोंट लाइक इट। माई टोन व्हेन यू टॉक अबाउट माई प्रोविंस, व्हेन यू टॉक अबाउट माई धरती वुड बी दिस। जाने तो जाए। सिंध असेंबली का बजट सेशन, वजीर आला मुराद अली शाह कराची को सिंध से अलग कहने वालों पर बरस पड़े। कहा, जो लोग कराची को सिंध से अलग समझते हैं ये उनके जहनों का फतूर है। अपोजिशन लीडर फिरदौस नकवी बोले, वो कराची को सूबे से अलग नहीं समझते लेकिन कराची की अहमियत अलग है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की तरक्की के लिए खसूसी इकदाम होने चाहिए। हुकूमत ने अख्तर मेंगल के तहफ्फुज़ात दूर कर दिए। परवेज कटक का कहना है, इत्तेहादियों के साथ मुआहिदे से कभी पीछे नहीं हटे। 18वीं तरमीम बदलने के बयानात अपोजिशन का सियासी प्रोपेगेंडा है। अख्तर मेंगल बोले, बलूचिस्तान का मसला सिर्फ सियासी और मुंतखब नुमाइंदे हल कर सकेंगे। वजीर आजम ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जल्द अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई। PIA में गैर कानूनी भर्तियां, साबिक मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी और सेक्रेटरी इरफान इलाही के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब रावलपिंडी की तरफ से एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में मुशर्रफ रसूल और तारिक महमूद पाशा भी मुलजिम नामजद। रेफरेंस मुशर्रफ रसूल की गैर कानूनी तकरूरी पर दायर किया गया। जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। साबिक सदर और जज में दिलचस्प मुकालमा। जरदारी ने कहा, मुलजिम अब्दुल गनी मजीद के मुतल्लिक कहा कि वो डकैत हैं न समाज दुश्मन, नैब कम अज कम सुलूक तो अच्छा करे। जज अरशद मलिक ने कहा, उनके पास तीन मुलजिम आए, उन्हें समाज दुश्मन कहा तो वो बोले वो समाज दुश्मन नहीं अनाज दुश्मन है। जरदारी फिर बोले, हमारा वजीर आजम छिपकली से भी डरता है। अल अजीजिया मिल्स रेफरेंस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील के दलाइल के बाद समाअत सितंबर तक मुलतवी। उधर जेल में नवाज शरीफ से वालिदा और बेटी की मुलाकात, पार्टी रहनुमाओं को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। मरीम नवाज का कहना है, नवाज शरीफ को बार बार एंजाइना की तकलीफ हो रही है, जाली हुकूमत डॉक्टर को मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही। अफगान सदर का दो रोजा हम दौराए पाकिस्तान, दोनों ममालिक का दोस्ती का नया बाब शुरू करने का ऐलान। वजीर आजम और अफगान सदर की मुलाकात का ऐलानिया जारी। दो तरफा तजारत, ट्रांजिट ट्रेड और राब्ते बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुजाकरात भी हुए। अशरफ गनी की सदर पाकिस्तान से मुलाकात, इस्लामाबाद में तकरीब में भी शिरकत। कभी खत्म हुआ तेल, कभी इंजन फेल, मुसलसल बहरान से दो चार महकमा रेल। कराची से पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस का इंजन पत्तों की में खराब। ताखीर और शदीद गर्मी, मुसाफरों के लिए दोहरा अजाब। कराकरम के फलक बोस पहाड़ों के दरमियान साइकिलिंग का मुकाबला। टूर डी खंजराब इंटरनेशनल साइकिल रेस के दूसरे एडिशन का पहला मरहला मुकम्मल। वापडा के साइकिलिस्ट ने पहली और तीसरी पोजीशन हासिल की। दूसरे नंबर पर आर्मी का साइकिलिस्ट रहा। पहला मरहला गिरगिट से राकापोशी व्यू पॉइंट तक था। करीमाबाद तक दूसरा मरहला कल होगा।
करदू के करीब जिला कुरमंग में पाकिस्तान के नक्शे से मुशाबत रखने वाली कुदरती झील दरियाफ्त। गंदस गांव में वाके कुदरती झील में मौजूद मीठे पानी और ट्राउट मछलियां सयाहों को नजारे की दावत दे रही हैं।